गरीब की मिनी वन व्हील मोटर बाइक। जीवनपुर में शिवा नाम का एक बच्चा रहा करता था। वो काफी गरीब था लेकिन काफी मेहनती था। वहीं कुछ अमीर बच्चे भी थे जिनके पास मिनी मोटर बाइक थी। जब सभी अपनी मिनी मोटर बाइक पर स्कूल जाते तो शिवा बेचारा पैदल स्कूल जाता, जिस कारण उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी। ऐसे ही एक दिन जब शिवा पैदल स्कूल जा रहा होता है, तभी कुछ बच्चे अपनी मिनी मोटर बाइक पर वहां आते हैं। अरे देखो देखो, इस गरीब को कैसे पैदल स्कूल जा रहा है। गरीब है तो पैदल तो जाएगा ना, इसकी क्या औकात जो हमारी बराबरी करेगा ये। ऐसे ही सारे बच्चे शिवा का मजाक बनाने लगते, जिससे उसे काफी बुरा लगता और वो बिना कुछ बोले घर जाने लगता। अरे देखो देखो, बुद्धू डर गया। फिर सभी अपनी मिनी बाइक से स्कूल चले जाते हैं। वही शिवा रोते रोते अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ बेटा, तू तो स्कूल गया था, इतनी जल्दी कैसे चला आया? माँ, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सब मुझे चिढ़ाते हैं। वहाँ सबके पास मिनी मोटर बाइक है, मेरे पास तो साइकिल तक नहीं है। बेटा वो लोग अमीर हैं, हमारी उतनी हैसियत थोड़ी ना है कि हम मिनी बाइक लेकर दें तुम्हें। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मिनी मोटर बाइक चाहिए बस। इतना कहकर शिवा गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अब इस लड़के को कैसे समझाऊं मैं। वही शिवा घर से बाहर निकल जाता है और वो चलते हुए एक डंपिंग ग्राउंड के सामने पहुंच जाता है, जहां उसे कचरे के ढेर में पुराना टायर मिल जाता है, जिसे लेकर वो घर जा ही रहा होता है कि तभी वो बच्चे फिर से मिनी मोटर बाइक पर आकर शिवा को तंग करने लगते हैं। अरे देखो देखो, इस गरीब को मिनी बाइक नहीं है तो कचरे का टायर लेकर घूम रहा है। हाँ हाँ, इसकी यही औकात है। हंस लो जितना हंसना है, ये तो वक्त बताएगा अब कि कौन क्या है। चल जा यहाँ से, हम देख लेंगे जब वक्त आएगा। इसके बाद सब हंसने लगते हैं और शिवा बेचारा बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वो घर जाकर उस टायर से एक मिनी वन व्हील बाइक तैयार करता है और फिर अपनी माँ के पास जाके बोलता है, माँ ये देखो मेरी वन व्हील मोटर बाइक। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी है, शाबाश मेरे बच्चे। इस तरह उसकी माँ उसकी बहुत तारीफ करती है और शिवा भी माँ से तारीफ पाकर खूब खुश होता है और अगले दिन वो अपनी वन व्हील बाइक लेकर स्कूल जाता है, जिसको देखकर स्कूल के सभी बच्चे उसे घेर लेते हैं। लेकिन ऐसा होते देख अमीर बच्चों को बहुत जलन होती है और वो शिवा के पास जाते हैं। अरे चल ना चल, एक मोटर बाइक बना ली तो इतना इतरा मत, वैसे भी एक पहिए वाली मोटर बाइक कितनी दूर जाएगी। इसकी झोपड़ी से सड़क तक पास। इतना इतराओ मत, मेरी बाइक तुम्हारी बाइक से भी तेज है। हमारी बाइक से कंपेयर करेगा? ऐसा है बच्चू, तो आ जा एक रेस लगा ले, देखते हैं कि कौन जीतेगा। मंजूर है। तभी स्कूल के दूसरे बच्चे, अरे शिवा छोड़ ना, इन लोगों के मुंह ना लग तू। हाँ शिवा, जाने दे। नहीं दोस्तों, आज तो मैं रेस लगाऊंगा ही। रमीर बच्चू और शिवा के बीच मिनी मोटर बाइक रेस होती है। जिसमें शिवा जीत जाता है, जिसको देखकर स्कूल के बाकी बच्चे बहुत खुश होते हैं और वहीं अमीर बच्चों का घमंड भी टूट जाता है। तभी वहां एक अमीर आदमी की कार आकर रुकती है। इसके बाद वो आदमी शिवा को एक चेक देकर चला जाता है और गांव के बच्चे ताली बजाकर उसकी जीत की खुशियां मनाते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, ना तो कभी किसी का मजाक उड़ाएं और ना ही कभी किसी को कम समझें। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।